मगर आप कौन सी गाड़ी बना रहे साहेब? ये है हेराल्ड, ये बहुत विंटेज कार में स्काउंट होती है। ये गाड़ी का जो है सिलेंडर खुला हुआ है, ओके, तो थोड़ा मिसिंग कर रही है, एक पिस्टन काम नहीं कर रहा है इसका। इसके अंदर वो कम पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं कौन सा? क्योंकि ये गाड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, आज की जितने भी गाड़ियां हैं ना सब उसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स वगैरह पूरा भर देता। ये गाड़ियों में पहले की क्यों नहीं, जैसा कि पहले के इंजन भी देखते हैं रेलो के कोयले से जो चलते थे स्टीम, उसी हिसाब से वो थ्योरी के हिसाब से हर चीज़ टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट बढ़ते भी है। उस टाइम जो है सिंपल आता था, कुछ ज़्यादा नहीं, सिंपल डिल को है। मैक्सिमम स्पीड कितनी रही? मैक्सिमम बहुत से बहुत 60 भगाए तो बहुत काफी है वो उस जमाने के। यानी बनाना भी आसान है, बनाना बहुत आसान, चलाना भी आसान, चलाना भी आसान है। इसके सामान पार्ट्स वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट मिलते हैं। और साहब और सुनाइए कैसे रही? अब ये गाड़ी तो विंटेज से निकली, अपन विंटेज से लेके हर गाड़ी, लेकिन अपने को स्टार्ट जो हुई पहले गाड़ी, ये गाड़ी बनाने में जितना मजा आता आज की गाड़ी बनाने में उतना मजा आ गया। मेरे को भी एक चांस में देखना था, लेकिन ये गाड़ी की 25 से 20 लाख रुपये कीमत कैसा है? हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीज नासिर और आप जो गाड़ी देख रहे हैं इसका नाम है हेराल्ड 1964 मॉडल। इसकी कीमत उस वक्त में चंद हजार रुपए हुई है, लेकिन आज इसकी कीमत 30 या 35 लाख की है। तो आप समझे, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, चीज की कदर तभी कर लेनी चाहिए जब उसका वक्त हो, नहीं तो वक्त बदल जाता है। ये गाड़ी मिलेंगी आपको सिर्फ और सिर्फ अलीम भाई यानी के अमी को कास्ट पर।